देवास जिले के बागली अनुभाग के ग्राम पोलाखाल से टिटोनिया मजदूरी के लिए जा रहे मजदूरों से भरी आयसर वाहन पलट गई, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर और बच्चे घायल हुए हैं। पोलाखाल से आलू निकलवाई के लिए मजदूर आयसर ले जा रहे थे, वहीं आयसर उदयनायन से मुहाड़ा घाटी पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार बच्चे, महिलाएं और पुरुष तकरीबन 60 लोग बैठे थे। इनमें 35 लोग घायल हो गए, जिन्हें 100 डायल और अन्य वाहनों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयनगर लाया गया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों में से 6 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही उदयनगर थाना प्रभारी राजा राम वासकेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आयसर में बैठे मजदूरों ने बताया कि आयसर चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।